अजी साहब, आपको देखकर तो मैं पुरानी चाल भूल जाता हूँ, नई चाल क्या चलूंगा। वहाँ तो आप लोगों ने मेरी साइकिल पंचर कर दी और यहाँ अब मुझे अपने घर में नहीं जाने देते। जी हाँ, जब रोके गए तो अपना घर बताने लगी। अरे साहब, तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये घर मेरा है। जी हाँ, वैसे ही ना, जैसे वो खाना आपका था, फिर वो चंदा आपका, और अब ये घर भी आपका है। अच्छा, मैं जाता हूँ, आप ही चंदा वसूल कीजिए। चलियो। कहाँ रहे बाबू जी? नमस्ते। नमस्ते। हमारे कॉलेज में ड्रामा होने वाला है, हम चंदा लेने के लिए आए हैं आपके पास। तो और पास आइए। बैठ जाइए। हाँ, तो क्या फरमाया आप? आप इस मकान के अंदर कैसे पहुंच गए? अजी, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये घर मेरा है। वो तो खैर हुई जो पीछे दरवाजा था, वरना आपने तो घर निकाला दे ही दिया। फिर तो बहुत तेज है आप। सुनिए तो। ये क्या, छोड़िए मेरा हाथ। क्यों छोड़ू? नहीं छोड़ता, मैं तो बदला ले रहा हूँ। कैसा बदला? उस दिन जो आपने मेरा हाथ पकड़ा था, क्या क्या मिन्नतें की थी। छोड़ा था आपने, मगर वो तो आपकी जान बचाने के लिए था। तो अब आप क्या समझती? ये हाथ छूटा तो मैं जिंदा भी रहूंगा। अच्छा, मेरा हाथ छोड़िए। बाहर सब लड़कियां बैठी हैं, जुगनू अभी तक चंदा ही ले रहे हैं। चंदा जरा लंबा मालूम होता है। अच्छा, मैं अभी देख कर आती हूँ। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। बार बार वही होता है जो ईश्वर चाहता है। और ईश्वर क्यों चाहता है ये वही जानता है, वरना कहां आप, कहां मैं, कहां वो पिकनिक, कहां वो चंदा और ये घर। उस पर मजा ये कि मैं बुलाना भी आप ही को चाहूं और आप ही आए। उस पतंगे की तरह जिसने पर निकलते ही दीपक देखा, खुशी से फूला न समाए, गिरत फिरे चक्कर लगाए, मुंचू में जलता जाए। मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हजूर, दर्जी कल आए कहीं से? बंसी। हजूर। ये काय की आवाज है, क्या है वहाँ? कुछ नहीं हजूर, जुहा साहब काटा कुटी बचाए। अबे बाबूजी को बाहर भेज, किसी तरह बाहर भेज, ये लड़की चंदा लेने आई है। चंदा? चंदा हजूर, बाहर छकुरियन चंदा मांगता है। जाओ उनसे कह दे के चंदा वंदा नहीं मिलेगा, चंदे का पर्चा। हम लोग कब तक यहाँ इसी तरह छुपे बैठे रहेंगे? जब तक पिताजी यहाँ आए। अगर वो रात तक यहीं बैठे रहे तो हम भी रात यहीं बिताएंगे। अरे वाह, क्या हर्ज था कि हम उनसे साफ कह देते कि हम चंदा लेने के लिए आए हैं। अरे अगर ये तरकीब न लड़ाते तो हम एक दूसरे के इतने करीब कैसे बैठे? इतने पास है, हमारी बातें, हमारे दिल। अच्छा, तो ये सब आपने जानबूझ कर शरारत की है। मैं उठती हूँ। जाओ जाओ जाओ। पिताजी। ठहरो ठहरो। भैया, अरे जुगनू बहन। सूरज, ये क्या हो रहा है, ये कौन है? जी,
जी मैं चंदा दे रहा था। अबे ये कौन सा फ्रांसीसी कायदा निकाला है चंदा देने का? जी नहीं, हम लोग तो आपके डर की वजह से छुप गए थे यहाँ, वरना। और अगर डर ना हो तो तू खुल मुखुला इश्क कर सकता है इस मकान में, यही ना? जी नहीं, मैं तो। चुप रहो। तुम काली से चंदा लेने आई थी या ये नेवर माइंड करने? क्या हुआ? यही तालीम है जिसके लिए चंदा वसूला जा रहा है घर घर? बेहयाई की ये हद। क्या हुआ? क्या हुआ जुगनू? मैं बताता हूँ, ये और हमारे सपूत सोफे के पीछे बैठकर प्रेम फरमा रहे थे। क्या तुम लोगों को कॉलेज में यही सिखाया जाता है? इसका जवाब तुम्हारा प्रिंसिपल देगा। जाओ, कोई चंदा मंदा नहीं है, जाओ।